अपने ही पुत्र को एसपी के हवाले कर सिलेंडर करवा दिए हैं, जान बचने के लिए। जान बचने के लिए आपका पुत्र अपराधी है क्या? ना, अपराधी तो नहीं है। हाँ, क्या क्या हुआ था, ऐसे ऐसे हो गया, मौत के कुआं में से आए हैं, तो हम लोग डर के मारे एसपी के पास अपने हवाले कर दिए। एसपी साहब के यहाँ ये गया है, 5 तारीख को गया है एकरा कैसे लग गए बोली तो पीछे बैठल चलली न रामदास पर लग रामदास के बच गए एक पर लग गए चलली हम रामदास पर ठीक है हाँ। गर्दन जो घूमल के हाँ। लग गए गुटका खाए तो फेकल बाद दारू बहुत न चल रहा देख ली झूल दारू के लेकिन हेलो हाँ बोले न हाँ चंदन ठिकदार फिर एगो चंदन है धपहर के समझ लीजिए उदीस तनी के उतार लगे छ ठीक है हाँ हाँ इस हमको मीटिंग वीटिंग करवाया ठीक है उसके बाद बोला राम जरा से तुमको मारना है ठीक है 2 लाख रुपया में बात ये कथी का उदीस तनी हमको फोन से बात करवाया चंदन ठिकदार से समझे ठीक है मारने के धमकी देता है और चंदन सहनी और एगो और है मठिया जामुन का उसको पैसा दे के इसको मारने के धमकी उमकी बहुत देता है कहता है कि हम मार देंगे ये करेंगे वो करेंगे घर पर आया एक दिन घर से उठा के ले गया फिर दूसरा दिन फिर आया कि पंकज कहाँ है हम बोले कि से नहीं पंकज नहीं है तो उसको बोलूँ बुलवाइए हम कहीं यहाँ है ही नहीं कि हम कहाँ से बुलाएँगे उसको बाद तो उसको मारने के धमकी खोज रहा था 2-3 दिन आया घर पर खोजा है नहीं मिला तो ये फिर भी धमकी देता है कि उसको कहीं मिलेगा तो मार देंगे ऐसे करेंगे वैसे कर बहुत सारा बात बोलता है लोग डर के मारे एसपी के पास अपने हवाले कर दिए एसपी के पास डर एगो बेटा तो है ये है डर के मारे हम हवाले कर दिए कि सुरक्षा में रहे बच पाए सुरक्षा से आज कोर्ट में आए हैं अथी कोर्ट में जो फैसला करेंगे गिरफ्तारी हुई एसएसपी के हवाले किए हुए थे अपना पुत्र को कई तारीख संडे दिन है तारीख तो नहीं ख्याल है एतबा आई कल 8 दिन हो जाएगा उसके बाद अहियापुर थाना हाँ अहियापुर थाना में अहियापुर थाना से आज कोर्ट हाँ कोर्ट में आया है आप एसएसपी के पास हवाले कर दिए हवाले कर दिए कि भैया का बच्चा है मेरे पास पढ़ता लिखता था उसके पास कहा दोस्ती में भी क्या है नहीं है घर से उठा के 3 बार ले गया उसको उठा करके गांव के 2-3 गो आदमी उसको धमकी भी दे रहा है मारने के लिए इसका दोस्त है कौन ले गया बोला के उसको मारने की धमकी दिया उसके बाद हम एसपी के मैंने सर के पास हवाले कर दिए उसको करने के बाद थाना में अहियापुर गया 4 रोज होने के बाद ही मैंने अपना यहाँ कोर्ट में आया है कोर्ट में क्या निर्णय होता है उसके बाद अब बाकी बात आगे क्या पुत्र आपका क्या करता है पढ़ता था माने वहाँ पढ़ता था दोस्ती मम्मी के साथ क्या करता था पढ़ने जाता था अब क्या करता था किस क्लास में पढ़ता था 9th में था अभी 8वां में था कौन स्कूल मानिकपुर स्कूल में मानिकपुर स्कूल घटना कैसे हुआ घटना हुआ कि हम नहीं थे घर पर हम मम्मी उसका बतलाएगी मैं आपका पुत्र को हवाले कर दिए थे वो धमकी गोली चलाने वाला में कहाँ गोली चली वो तो हमको मालूम नहीं तो वो हमको पत्नी जानेगी धमकी उमकी मिला जान से मारने के लिए हमको भी मिला माने गांव के आदमी है परिवार के आदमी भी है गांव माने मारने की धमकी देता है बच्चा के हमको भी मारने की धमकी देता है बराबर की करेंगे वो करेंगे यही से मार के फेंक देंगे तुमको भी मार के फेंक देंगे क्या नाम हुआ अपना अरुण कुमार बच्चा के नाम अमित कुमार उम्र कितना है उसका 15-16 साल होगा 15-16 साल घर कहाँ है नदाईचक थाना चक मीनापुर ये अहियापुर थाना कांड संख्या 291-23 सरकार बनाम रामदास सहनी मुकदमा है जिस मुकदमा के संदर्भ में अमित कुमार उर्फ पंकज
पिता अरुण प्रसाद साकिन गदाई चक थाना मीनापुर, ये मेरे पास आया और कहा कि मैंने रामदरस की मैं इस मुकदमा का मुदाला रामदरस सहनी और गोली चलाने हेतु उदित सहनी ने दिनांक 26/8/23 के शाम में हमें खुद दारू पिलाया तथा मुझे चंदन ठेकेदार जो जामुन मठिया का रहने वाला है उससे बात कराया। क्या उसने कहा कि तुम रामदरस सहनी को गोली मार दो, मैं तुम्हें मालोमाल कर दूंगा। क्या उदित सहनी चंदन कुमार धपहर निवासी से पिस्तौल लेकर मुझे दिया, क्या 10,000 रुपया दिया। क्या कहा कि शाम 3 बजे सलेमपुर बांध पर आना, वहीं ही रामदरस सहनी लेबर लेने हेतु आने वाला है। मैं उसके कथनानुसार 3 बजे सलेमपुर बांध पर पहुंचा। उसमें मेरे साथ चंदन सहनी धापार निवासी, प्रमोद सहनी पिता देवीलाल सहनी जो चंदन ठेकेदार का दोस्त है। क्या रामदरस सहनी पर उदित सहनी के कहने पर नशा के हालत में मैं गोली चलाया जो धोखा से उदित सहनी को लग गया, जबकि गोली रामदरस सहनी पर चलाना था। यह कि उदित सहनी बहुत बड़ा क्रिमिनल है जो मुझे जान से मरवाना चाह रहा है, मेरा किसी भी समय हत्या कर सकता है क्योंकि मेरे घर पर उसी समय से हत्या करने हेतु क्रिमिनल को उदित सहनी चंदन ठेकेदार भेज रहा है, इसलिए मैं न्यायालय में आत्मसमर्पण करना चाहता हूँ। जहाँ मेरा नाम FIR में नहीं है और ये न्यायालय में आत्मसमर्पण करने हेतु आया, लेकिन इसका नाम FIR में नहीं था जिस कारण कि हमने इसको आत्मसमर्पण नहीं कराया और इसको हमने समझाया बुझाया भी कि तुम जानबूझकर मुकदमा में मत फंसो, मुदाला मत बनो, तुम्हारा नाम इसमें नहीं है, जब सुपरविजन में तुम्हारा नाम आएगा तब तुम कुछ करना, लेकिन ये बात नहीं मानकर कहा कि CGM के यहाँ पिटीशन दीजिए कि ताकि हम SP साहब के यहाँ सरेंडर करेंगे। तब हमने CGM साहब के यहाँ बहुत समझाने के बाद हमने पिटीशन दायर किया और तब ये उसके कल होके ये SP साहब 5 तारीख के करीब 1 बजे में जाके SP ऑफिस में कहा कि हम SP ऑफिस में ही जाके हम आत्मसमर्पण करूँगा और यहाँ से गया है, वहाँ जाके आत्मसमर्पण किया है। इसके बाद के विषय में हमें कोई जानकारी नहीं है क्योंकि परिचय मैं अधिवक्ता हूँ, मेरा नाम सुनील कुमार मिश्रा है, मैं ये अधिवक्ता हूँ और मुकदमा में सभी धारा जमानत ये है 307 है, 307 भारतीय दंड विधान है, वही एक और जमानतीय धारा है जो सेशन ट्रायबल ऑफिस है। डेट के बारे में जानकारी नहीं, इसके डेट के विषय में हमें कोई जानकारी नहीं है क्योंकि अभी तक जो नकल हमको मिला है सो मोबाइल पर ही मिला है, नकल मुकदमा का हम नहीं निकल पाया, लेकिन इतना पता है कि यही आपको थाना कांड संख्या 291/23 है। तो आपको पता है सच का आईना।